नाउ स्टूडेंट्स एज वी हैव डिस्कस्ड के जो प्रोडक्ट रोड मैप है असेंशियली वो ब्रेक डाउन होता है रिलीज़ में यानी आप यूं कहें जब हम ये कह रहे हैं कि हाउ टू एग्जीक्यूट अ रोड मैप यानी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है तो आप यूं समझें कि रिलीज वो चीज है जो आपके प्रोडक्ट रोड मैप को एक्चुअली इंप्लीमेंट करेगी अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो रिलीज है उसके अंदर कुछ चीजें तो प्रोडक्ट रोड मैप से आ गई ये जो हमने अभी डिस्कस किया अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जिसपे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना चाह रहा हूं वो ये है जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है अब वेबसाइट फॉर एग्जांपल आठ दस साल बनी है यानी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं डिफरेंट डेवलपर्स ने काम की है नए फीचर्स आए हैं और एक अच्छी खासी क्लाइंटेज है जो उस वेबसाइट को यूज़ कर रही है अब आप एज्यूम करें कि अब आप एक नया रिलीज क्रिएट करने जा रहे हैं या रोडमैप क्रिएट करने जा रहे हैं तो कुछ चीजें तो आपके पास सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आ जाएंगी जो हमने अभी डिस्कस की हैं जो एक एक्सेप्शन है और एक बड़ी रेयर एक्सेप्शन है वो ये होती है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बग्स के बगैर नहीं होता सिर्फ सिर्फ फर्क ही होता है कि जो बग्स की नोयत होती है यानी कुछ बहुत और टॉप प्रायोरिटी बग्स हैं जिनके बगैर वेबसाइट लाइव हो ही नहीं सकती फॉर एग्जांपल अगर ई e कॉमर्स के अंदर मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रहा तो वो एक ब्लॉकर इशू है उसके बगैर मैं वेबसाइट को लाइव नहीं कर सकता लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वेबसाइट के अंदर कुछ टेक्स्ट मुझे सही नज़र नहीं आ रहा या कुछ फॉन्ट का मसला है या फॉन्ट साइज का इशू है तो ये ब्लॉकर नहीं है आई कैन लिव विद इट जो रिलीज होती है उसके अंदर एक बहुत की कॉम्पोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंप्रूवमेंट्स या बग फिक्सिंग इसका मैं अगर आपको आसान लफ्जों में बताऊं कि जो टेक्निकल टीम होती है जिसको हम लोग इंजीनियरिंग टीम बोलते हैं दे आर द वेरी की कंट्रीब्यूटर टू द प्रोडक्ट रोड मैप या रिलीज एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी पुरानी एग्जाम्पल है लेकिन आपको ये चीज बिल्कुल समझ आ जाएगी इंटरनेट एक्सप्लोर की मैं एग्जाम्पल देने लगा आपको लेकिन एग्जाम्पल हमारी इस इस डिस्कशन से बिल्कुल मैप होती है जब इंटरनेट यानी इंटरनेट एक्सप्लोर एट पे फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर चल रहा था जब इंटरनेट एक्सप्लोर टेन यानी पहले नाइन आया और फिर जब टेन आया ना तो जो एक्सप्लोर नाइन का स्ट्रक्चर था यानी जो माइक्रोसॉफ्ट वाले यानी माइक्रोसॉफ्ट ने जिस तरीके से या जिस आप कह रहे हैं जिस स्ट्रक्चर के ऊपर आई ई नाइन इंटरनेट एक्सप्लोर नाइन की डेवलपमेंट की थी वो आई ई टेन से आप समझें सेवेंटी सेवेंटी परसेंट डिफरेंट थी तो जो इसका इफेक्ट क्या है, ये ये समझने की आपने कोशिश करनी है अगर कोई वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर आई ई नाइन कंपेटेबल था यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर नाइन पे सही चल रहा था तो जब आई ई टेन आया ना तो सत्तर परसेंट चीजें जो क्लाइंट की आई ई नाइन चल रही थी वो आई ई टेन पे चलना बंद हो गई अब ये बहुत आसान चीज होती है ये कह देना लेकिन जब आपका क्लाइंट ये कहे ना कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए या आप क्लाइंट को ये कहें कि अगर आपने नई रिलीज यूज करनी है तो तमाम यूजर्स को कहो कि आई ई टेन पे माइग्रेट कर जाए दैट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल ये जस्ट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अब ये जो कसूर है या यू कह लें ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ये एंड यूजर की वजह से नहीं हुई ये हमारी इंजीनियरिंग टीम की वजह से हुई है कि जब रिलीजे बन रही थी या प्रोडक्ट रोड मैप बन रहा था दे डिड नॉट टेक केयर ऑफ द इंप्रूवमेंट थिंग क्योंकि जब भी कोई नई चीज मार्केट में लॉन्च होती है तो उससे चार महीने छह महीने पहले उसका उसकी उसके रिलीज नोट्स आ जाते हैं यानी फॉर एग्जांपल अगर ब्राउजर का या क्रोम का कोई नया वर्जन आ रहा है मार्केट में तो तीन चार महीने पहले उसका बीटा वर्जन आ जाता है ताकि डेवलपर्स को यह अंदाजा हो जाए कि किस तरह की चेंजेस आ रही हैं ताकि इंजीनियरिंग टीम अपने रोड मैप में या रिलीजेज में एडजस्टमेंट कर सके तो इंजीनियरिंग टीम का जो बग फिक्सिंग को प्रायोरिटाइज करना है अलॉन्ग विद द सेल्स टीम एंड देन द टेक्निकल इंप्रूवमेंट अगर फॉर एग्जांपल पीएचपी का कोई नया वर्जन आ गया या मै एस का कोई को नया वर्जन आ गया अपाची का कोई नया वर्जन आ गया या कोई टेक्निकल अपग्रेडेशन हुई है तो जो कि कंपनीज करती रहती हैं। आईओस का नया वर्जन आ गया है, एंड्रॉइड का नया वर्जन आ गया है। वो वर्जन इसीलिए आता है कि कुछ फीचर चलना बंद हो जाते हैं तो आपको उन फीचर में कुछ एनहांसमेंट करनी पड़ती है या न्यू डेवलपमेंट करनी पड़ती है तो नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर आपका मैप या रिलीज ना हो तो आपके प्रोडक्ट तो कुछ हर्से बाद वैसे ही चलना बंद हो जाएगा तो यू हैव टू कीप योर रिलीज अप टू डेट यानी जो रिलीज प्लान है या जो प्रोडक्ट रोड मैप है उसके अंदर एक बहुत की कॉम्पोनेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट को या जो आपका प्लेटफॉर्म है उसको कितना अप टू डेट रख रहे हैं कितना अप टू डेट इन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट रख रहे हैं अगर आपके फॉर एग्जाम्पल क्रोम के एग्जिस्टिंग वर्जन पर आपका सॉफ्टवेयर सही चल रहा है तो अगर छह महीने बाद या चार महीने बाद नया वर्जन आ रहा है तो हाउ कंपेटेबल योर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इस एज पर द न्यूअर वर्जन क्योंकि जब नया वर्जन आता है तो यू हैव टू डू सर्टन चेंजेस अगर रोड में भी नहीं है या आपने रिलीज को मैनेज ही नहीं किया हुआ देन यू आर गॉन तब आप कंपटीशन से आउट होने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगती